आज वाराणसी में आगमन सामाजिक संस्था ने उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जिनकी हत्या उनकी मां के कोख में ही कर दी जाती है। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन अभागी बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। आगमन सामाजिक संस्था द्वारा लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी अभागी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में मोक्ष दिलाने हेतु जल तर्पण श्राद्ध कर्म आयोजित किया गया। पितृ पक्ष का महीना चल रहा है, जिसको देखते हुए एक काशी में एक संस्था है जो गुड़ में जो हत्या हो जाती है बेटियों की, उसको देखते हुए आज गंगा तट पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से, मैं आपको दिखा दें कि ये 11,000 बेटियों की जो गुड़ हत्या पेट में कर दी जाती है, उसको देखते हुए काशी की संस्था है जो मोक्ष दिलाने के लिए बेटियों को यहाँ उनके लिए घाट के तटों पर तड़पण किया जा रहा है और पिंडदान किया जा रहा है। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट से बनारस। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना के लिए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया गया। गंगा तट पर मिट्टी के बने वेदों पर 11,100 पिंड निर्माण कर मंत्रों के आवाहन कर बारी बारी मृतक के प्रति स्वरूप स्थापित करने के बाद मंत्र के अभिसिंचन से उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 11,000 बेटियों का पिंड दान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोज के साथ आयोजन पूर्ण कराया। संस्था प्रति वर्ष पितृ पक्ष के मातृनवमी को अजन्मी बेटियों का सनातन परंपरा और पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना करती है। देखिए, इस कार्यक्रम की बात यदि हम करें तो आज मातृनवमी है और पितृपक्ष के मातृनवमी को मातृशक्ति को समर्पित ये दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो नारियां हैं, जो शक्तियां हैं, उनके लिए यह समर्पित होता है और उन्हीं को श्राद्ध कर्म किया जाता है। हम लोगों का जो श्राद्ध कर्म है उन बेटियों के लिए है जिनके माँ बाप ने उन बच्चों को पेट में ही मार डाला, और हम लोग ये कहा जाए कि श्राद्ध कर्म के तहत ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आत्माएं जो भटक रही हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं मिला, जिन्हें जीने का अधिकार तो नहीं लोग दे पाए, हम लोग कम से कम उन्हें मोक्ष की कामना करें। और उसी के तहत आज हम लोग 11,000 बेटियों का पिंडदान कर रहे हैं। अब आज इस पिंडदान को जोड़ के लगभग 37,000 वो संख्या हो गई जो हम लोग अभी तक पिंडदान किए हैं, उन बेटियों के मोक्ष की कामना किए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।